नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? तो यार चलिए बिना देरी करते हुए चलते यार अपने वीडियो पर, बच्चों और बुढ़ों को पढ़ा। तो चलिए, तो यार भाई बात पोको से, तो पोको F3 GT का लॉन्चिंग डेट आ गई है, जो कि बोला जा रहा भाई कहते हैं लॉन्चिंग डेट 23 जुलाई को। एंड यार आज तो बहुत ज्यादा कहते यार, जैसे लगता है भाई अपनी एक इंट्रो ही दे दिया आज। बोला क्या कहते यार, एमोलेड डिस्प्ले है, 120Hz डिस्प्ले रेट, जैसे कहते रेडमी K40 सीरीज में था। और बोलिए कहते यार भाई इसमें लगभग कहते हैं यार स्पोर्ट डुअल डॉल्बी डिजिटल लगी है, हाँ, जो कि क्या कहते कंपनी द्वारा दर्शाएगा भाई यूट्यूब चैनल पर, अच्छी बात है। फिर भी क्योंकि व्हाट्सएप से, तो व्हाट्सएप बैन किया है भाई 20 लाख अकाउंट इंडियन यूज़र के, जो भी कहते भाई इंडियन में जितना भी यूज करते भैया व्हाट्सएप उनका भाई बैन कर दिया है, ग्रुप जितना भी बैन कर दिया है। बोला जा रहा है कि फेक न्यूज़ के फैलाने के लिए और भाई ये वायलेंस के लिए, पब्लिकली हरासमेंट के लिए, बहुत चीज़ के लिए कहते यार इस चीज़ के लिए लगभग 20 लाख अकाउंट बैन किया है। ये क्या कहते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से बैन किया है। फिर भी एक लोग माइक्रोसॉफ्ट से, तो माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस किया है न्यू विंडो 365, जो कि कहते यार क्या कहते हैं समथिंग अपग्रेडिंग सिस्टम है, जो कि बोला जा रहा है कहते यार ये भाई बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस समथिंग बिजनेस के लिए उसकी पर्पज है, जिसकी कॉस्ट बोली जा रही है $31 पर मंथ, हर महीने के हिसाब से $31 पर आपको देना पड़ेगा। फिर भी लोग अवश्य, तो वावे लॉन्च कर दिया है न्यू वावे मोबाइल सर्विस Core 6.0, जो कि मैं बोलूँगा HMS Core 6, जैसे गूगल मोबाइल सर्विस होता है वैसे इनकी मोबाइल सर्विस है, जो कि बोला जा रहा है भाई ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया अपने इंडिया में नहीं। फिर भी एक लगा मर्सिडीज से, तो मर्सिडीज बेन 2022 एडिशन में जो कहते हैं आएगी 2022 में, वो बोली जा रही है कहते यार समथिंग, जो उसके सामने की यार डैशबोर्ड है डिस्प्ले बोर्ड, वो बोलिए भाई फ्लैपेबल स्क्रीन टच स्क्रीन डिस्प्ले लगेगी, जो कि अगर ते आगे पीछे आप कर सकते हो, बड़ा मस्त है, आप जिस तरह देख रहे हो उसी टाइप से। फिर भी सैमसंग से, तो सैमसंग गैलेक्सी A12S की यार प्राइस बोली गई है, जो कि यार 10 से 12 हज़ार रुपये प्राइस रहेगी, और इसी नॉट 850 प्रोसेसर के साथ, जो आप जानते ही है। फिर भी एक वीवो से, तो वीवो S10 सीरीज अगर ते यार बोली है, मतलब कंपनी द्वारा कहा गया भाई कहते फोटोक्रोमिक पैनल लगा, मतलब एक फोटोक्रोमिक बैक पैनल जो लगा है पीछे में, आप बैक पैनल देख रहे हो, उसको बनाने में लगभग 3 साल लग गए थे इस चीज़ को बनाने में। भैया कहते इस बारे में सोचने के लिए बड़ा अच्छी बात बताया भैया, हाँ 3 साल लग गए हो, इसे बोलता है भाई 6 महीने मोबाइल बन जाता है, एकदम बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम लोग। फिर भी लोग TSMC से, TSMC भाई ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, वो तृणमूल कांग्रेस मत समझना भाई, वो चीज़ वो अलग चीज़ है, नेतागिरी से हटके बोला है कहते आपकी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने कहा है कहते यार मैं जापान में फैक्ट्री बनाने का कंफर्मेशन दे दिया हूँ, जो बोला यार भाई कि एरिजोना में 2024 बनेगा, भाई US में एरिजोना में 2024 से प्लांट स्टार्ट होगा। अब यहाँ जो बोला गया भाई प्लांट अब कहते स्टार्ट होने वाला है। फिर भी एक रेडमी से, तो रेडमी की 11 Pro आने वाली है, हाँ भाई रेडमी 11 Pro, मैंने कहा था ना मैं कई दिन पहले CC11 आने वाली है, ठीक उसी कॉन्सेप्ट रख के इसमें बताया गया है। बोली यार 200 MP की कैमरा के साथ आएगी, जो कि मैंने पहले कहा था वो 200 MP में कैमरा में काम कर रही है, अच्छी बात है। फिर भी एक फिर से शॉमी से, तो शॉमी ओवरटेक कर दिए भाई एप्पल को, और तब तक बोला जा रहा है कहते कि भाई शॉमी बन गई दूसरे नंबर पे, एंड कहते यार पहले नंबर पे सैमसंग है, तो यार अच्छी बात है, शॉमी डेवलपमेंट कंपनी है तो अच्छी बात है। फिर भी एक लोग सैमसंग से फिर से, तो सैमसंग गैलेक्सी M21 2021 एडिशन की, जो कि मैंने बोला था भाई नाम दिया था अपने मन से प्राइम एडिशन, जो कि बोला जा रहा है कहते यार इंडिया में अगर आ गई है, लिस्टेड कर दी है अमेजोन पे, बोली जा रही है कि 21 जुलाई को लॉन्च होगी और 26 जुलाई को आपकी अमेजोन प्राइम डे सेल है, तो इसी में कहते हैं सेल लगी है फर्स्ट सेल के लिए। फिर भी एक लोग मीडियाटेक से, तो मीडियाटेक अनाउंस कर दिया है 2 नए चिप्स, जो कि Helio G96 प्रोसेसर और Helio G88 चिप्स है, जो कि बोला जा रहा है कि परफॉर्मेंस के लिए गुड है, एंड फोटोग्राफी के लिए थोड़ा सा डेवलप किया गया, उसको फोकस दिया गया भाई कि हाँ तीर एकदम लगे है या फोटोग्राफी पर, वो चीज़ का डेवलप अच्छी बात है। फिर भी एक लगा नोकिया से, तो नोकिया XR20 की यार इमेज लीक हुई है, जो कि बताया जा रहा भाई कहते हैं थोड़ी सी वाटर प्रूफ स्प्लैश प्रूफ डिज़ाइन के साथ एक आई है, कंपनी द्वारा कहा गया है, तो देखते हैं कहते यार कब लॉन्च होती है, वो 26 जुलाई को बोला गया है, तो देखते हैं। फिर भी एक लोग ऑनर से, तो ऑनर मैजिक 3 की यार अगर एक फोटो लीक हुई है, जो कि एक भाई मेरा कहते हैं ट्विटर ब्लॉगर एक आदमी है भाई, जो कि मेरा कहते हैं फ्रेंड है, उन्होंने कहा कहते यार एक ये ऑनर मैजिक 3 की एक अगर फोटो लीक हुई है, जो कि बताया जा रहा भाई कहते हैं कि 6.7 इंचेस की यार डिस्प्ले है लगेगी, और समथिंग Snapdragon 888 प्रोसेसर गुड है, प्रोसेसर अच्छा है, एंड कहते अगर बात करूँ कहते कैमरा की, तो कैमरा है 64 MP, एंड जो कैमरा की शेप बताई गई है वो मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट की तरह से रखा गया है। फिर भी वन प्लस से, तो वन प्लस बड्स प्रो किया कंफर्म कर दिया भाई, कहते आने का बोला है, और
और समथिंग बोला जा रहा है कि एडाप्टिव नॉइस कैंसलेशन नहीं, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन नहीं, बोला गया है कि एडाप्टिव मतलब गोद लिया गया नहीं है वो भैया, वो चीज़ नहीं है, एक एडॉप्ट करता है नॉइस कैंसलेशन को, जैसे एक्टिव नॉइस कैंसलेशन जो लगातार चले एक एडॉप्ट करेगा उसको, एडॉप्ट करके फिर भेजेगा। ये चीज़ बड्स प्रो में एक नया चीज़ आया है कि एयरबड्स में नहीं आया, तो अच्छी बात है। फिर भी अगर रियलमी से तो रियलमी जी टी मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन क्या कहते हैं यार, बोला है कि एक नई कहते इमेज आई है जो कि एक लुक परफॉर्मेंस के साथ अच्छी लग रही है, वाइट कॉम्बिनेशन है, क्रीमी डिज़ाइन है, अच्छी बात है। फिर भी अगर सैमसंग से तो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4S क्या कहते हैं बोली है कि चिप कौन सी लगी भैया, बोली है Exynos W920 920 चिप लगी है, जो कि बताता है भाई कहते एक्स्ट्रा स्टोरेज के साथ 16GB स्टोरेज है, एक्स्ट्रा स्टोरेज एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस का, तो अच्छी बात है। फिर भी अगले शॉमी से तो शॉमी कहते हैं यार बोली है कि भैया मैं अभी अगर मिड रेंज की फ़ोन बनाऊंगा, बट जो कहते हैं वावे कंपेरिजन किया गया है तो वावे बोला है कि भैया कहते हैं अब के टाइम मैं अब नहीं बनाना चाहता हूँ भाई मिड रेंज की फ़ोन, भाई आपकी अफोर्डेबल फ़ोन निकालो, मिड रेंज फ़ोन मत निकालो, 25,000-30,000 कौन खरीदेगा, एक जैसे कहते हैं काम करो एक पॉइंट ले लो 20,000-40,000 एक ले लो, ऑड इवेंट टाइप में निकालो, तो अच्छी बात है। फिर अभी अगले टिकटॉक से, तो टिकटॉक यार पहुंच गई है 3 बिलियन अप डाउनलोड, जो कि कहते हैं फेसबुक का कहते हैं जो फेसबुक की वो वाली ऐप है मेन ऐप है उसे कहते हैं यार छोड़ दिए पछाड़ दिए भैया सबको, अच्छी बात है। फिर भी अगले कहते हैं वीवो की, तो वीवो की S10 और S10 Pro अगर लॉन्च होगी यार अपने चाइना में, आपकी चाइना में ही नहीं हम लोग इंडिया में है, चाइना वाले सुन रहे हैं, तो चाइना में लॉन्च हुआ है जो कि बताया जा रही है कहते यार लेमोसिटी 1100-1200 के साथ तो गुड है, 3-4 कलर में आई है। फिर मेरे अमेजोन से, तो अमेजोन यार प्लान कर रहा है लॉन्च करने के लिए समथिंग बोला जा रहा है कि यार डिज्नी के साथ मिलके कुछ बच्चों के लिए प्रोडक्ट निकालेगा, वेरिएबल प्रोडक्ट निकालेगा, तो देखते कहते यार समथिंग टैब वैब निकाला तो है ही, अब देखते किड्स के लिए क्या निकालता है। फिर मेरे को वन प्लस से, तो वन प्लस भैया कहते हैं वन प्लस के एकदम ताव में है, हाँ भैया वन प्लस टीवी, तो वन प्लस टीवी भाई Y1 और U1S की प्राइस लगभग 7,000-7,000 रुपये बढ़ाई है, कौन सी बेवकूफ़ी वाली बात की है भैया, 1,000-2,000 बढ़ाओ भैया, ये 7,000-7,000 कौन सी बात पढ़ाने की प्राइस है। तो भैया वन प्लस टीवी जो खरीदते हैं वो बड़ा अच्छी बात है, जो सोचते वन प्लस टीवी खरीद लो ना वो अब लूट गए सो ठीक है भैया। फिर भी एक नेटफ्लिक्स से, तो नेटफ्लिक्स ने प्लान किया है कुछ गेमिंग स्ट्रीम के प्लेटफॉर्म्स को यूजिंग करने के लिए, मतलब भाई अब उसमें गेमिंग स्ट्रीमिंग करेगा, जो जो लोग भाई गेम की स्ट्रीम करते हैं उसको अब नेटफ्लिक्स पे अब स्ट्रीम कर सकते हो, जिसके कहते हैं नेटफ्लिक्स को भी फ़ायदा होगा और जो दूसरे गेमर्स को भी फ़ायदा होगा। फिर अभी एप्पल से, तो एप्पल अगर तो बोल रहा है कि भैया जो एप्पल कार निकलेगा उसको अब मोबाइल से कवर अप कर सकते हो, एक डिजिटल की बनाया जाएगा, मतलब समथिंग एक जैसे की रहता भैया चाबी रहता अब उसको फ़ोन से अपग्रेड करके चलाया जाएगा, तो यार अच्छी बात है, एक डिजिटल की है, डिजिटल की को कहते थोड़ा सा अपग्रेड किया जाएगा तो अच्छी बात है। फिर भी एक लोग कहते हैं जापान से, तो जापान की एयरलाइंस कंपनी कहते कह रही है भैया अब बनाऊंगा भाई कहते 2024 तक के में, मतलब भाई कहा जा रहा है कि भाई 2025 में मैं लॉन्च करूंगा एयरलाइंस, मतलब समझी एयर टैक्सी, तो कंपनी द्वारा कहा गया भैया जितनी भी जापान की एयरलाइंस कंपनी है उन्होंने कहा भैया कि 2025 में लॉन्च करूंगा एयर टैक्सी, जो कि भैया कहते साउथ कोरिया में भाई कहा गया कि 2024 में वहाँ लॉन्च हो गया 2025 में लॉन्च होगा, तो सब कंपनी मिलकर बोली भैया एयर टैक्सी में लॉन्च करूँगा, तो अच्छी बात है। फिर भी एक कहते IQ7 से, जी भैया IQ7 भाई लॉन्च होने वाला एक नया वेरियंट, जो कि भाई अप्रैल में आपका लॉन्च हुआ था IQ7 सीरीज, अब बोला भाई कि एक नया वेरिएंट आ सकता है, एक नया लुक परफॉर्मेंस आ सकता है, एक नया डेवलप करके आ सकता है, तो अच्छी बात, देखते हैं कहते कब IQ7 में कौन कौन सी है कहते क्या स्पीसीज हेर फेर करेगा, क्या हेरा फेरी करेगा, बहुत हेरा फेरी है। फिर भाई फिर से जापान से, तो जापान की रिसर्चर टेक्नोलॉजी बोली भैया रिसर्चर जो बोलते भैया रिसर्च वर्च करते हैं उन्होंने कहा है कहती यार मैं एक नया ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किया हूँ जिसकी यार इंटरनेट स्पीड है भैया लगभग आपकी 319 TB/s, क्यों भैया चौंक गए ना, 319 TB/s समझते हो भैया, कहते जी बी नहीं टेराबाइट, 1 TB में देख रहे हो 24 GB + 1 TB, 319 TB/s ऑप्टिकल फाइबर यूज करके, मतलब कितना किलोमीटर रफ्तार चलेगा बताओ कितना। फिर भी एप्पल से, तो एप्पल यार ऑफर किया भाई स्टूडेंट लोग को, जितने भी एजुकेशन सिस्टम को बोला है कि भैया कहते हैं स्टूडेंट ऑफर दिया है कि भैया हम आपको फ्री एयरपॉड्स देंगे, जो कि बोला गया पहले पूरा कहानी सुन लो भैया चौकू मत, बोला कहते कि भाई आप मेरा कहते आईपैड मैकबुक खरीदो उसके साथ फ्री कहते मैं एयरपॉड्स दूंगा, बट एक और प्रॉब्लम है, बोला भैया आपको 10,000 पहले देना पड़ेगा अपग्रेड करने के लिए, तो ये थोड़ा कहानी अलग है भैया। फ्री एयरपॉड के मामले में एप्पल कभी नहीं जाता भैया, फ्री एयरपॉड कभी नहीं देगा, एप्पल अपना लापर मतलब अपना नुकसान खुद नहीं करेगा। फिर भी एक लोग कहते
फेसबुक से, तो फेसबुक ने कहा भैया ईरानियन हैकर जो कि ईरान के भैया हैकर है, उन्होंने कहा भैया यूके और यूएस में जो डिफेंस वर्कर है, जितने भी काम करते हैं डिफेंस में, रक्षा विभाग में काम करते हैं, उनके ऊपर भाई तंज कसा है भैया। बोला है कि फेक अकाउंट बना बना के कुछ कहते हैं उनके अंदर के मामले को ले रहा है भैया, अंदर मामला, हाँ जो भी खुफिया जानकारी ले रहा है। ये बहुत बेकार बात है भैया, फेसबुक ने बताया है तो उनको कहते हैं उनको भी समझना चाहिए भैया कि यार ये तो पहले हमको नहीं पता, फेसबुक कैसे पता चल गया। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, कल नए न्यूज़ के साथ बढ़े, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज की अगर न्यूज़ बहुत टॉपिक मस्त लगे तो यार एक लाइक ठोको, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए गुड बाय, कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ, तो आज के लिए टाटा। Doesn't even matter.